रानी राम सुभाए और आप है गुरु पाही। हमारे बड़े भाई श्री विष्णुकरण जी सेठ जी आपकी ओर से भी 101 पुष्प मुद्राओं से भगवान की पावन आरती उतारी जा रही है, बहुत बहुत धन्यवाद। सिय स्नेह पर नत मन माहि राम सुभाए चले गुरु पाहि सिय स्नेह पर नत मन माहि। हेलो हमारे आदरणीय श्री छंगा प्रजापति आपकी ओर से भी 101 पुष्प मुद्राओं से भगवान की पावन आरती उतारी गई, बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत साधुवाद आदरणीय श्री छंगा प्रजापति जी को। हम लोग देखेंगे श्री परशुराम जी के रूप में हमारे आदरणीय श्री बाल व्यास जी पांडे कमासी फतेहपुर से आपका आगमन हुआ है, बहुत 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 धन्यवाद। और आप हैं हमारे हर्ष विश्वकर्मा जी सलाब धीरेंद्र कुमार विश्वकर्मा जीडी गोनका पब्लिक स्कूल रोहिणी आपकी ओर से 51 पुष्प मुद्राएं भगवान की आरती में ऑनलाइन संस्कार संस्कृति चैनल के माध्यम से प्रदान किए जा रहे हैं, बहुत बहुत धन्यवाद। तो आप लोग ले चलिए ध्यान अपना महेंद्राचल की ओर, जहां पर आप भगवान परशुराम जी का दर्शन करेंगे। परशुराम जी के रूप में हमारे बड़े भाई आदरणीय श्री बाल व्यास जी पांडे फतेहपुर से आपका आगमन हुआ है। अब यहां से आप लोग जो सुधी जन है, जो गुणी जन है और ज्ञान चर्चा के लिए आप लोग अतिशीघ्र यहाँ पर उपस्थित हो जाएं। लक्ष्मण जी के रूप में आप लोग देखेंगे हमारे भाई प्रदीप पांडे जी और श्री परशुराम जी के रूप में श्री बाल व्यास जी पांडे और श्री राम जी के रूप में श्री शैलेंद्र कुमार जी शुक्ल, बहुत बहुत धन्यवाद। लीजिए देखें और व्यास जी के माध्यम से सुने। ते ही हवा सारे सुन शिव धनु भंगा आए भ्रगो कुल कमल पतंगा। महागणाधिपतये नमो नमः। श्री वेद पुरुषाय नमो नमः। श्री मातृ पितृ चरण कमलेभ्यो नमो नमः। श्री गंगाधराय नमो नमः। श्री राम दूताय वल्लभाय नमो नमः। श्री बुद्धेश्वराय नमो नमः। श्री यमदग्नाय नमो नमः। रे वंदे देव उमापतिम सुरगुरुम ये वंदे जगत कारण वंदे फन्नग भूषण मृगधर ये वंदे पशु नामतिम वंदे सूर सांग बन्हिनेनम ये वंदे मुकुंदाभ्रिय वंदे भक्तजनाश्रय चवर्धन ये वंदे शिवम शंकरम ये आत्मा तुम गृजामती सहजरा ये प्राणा शरीर रोग्रह ये पूजा थे विषय
रचना ये नंद्रा समा स्तुति ये संदारा प्रदयो प्रदक्षिण विधि सोत्राणी सर्वा करो मधक दिलो ये संभो तवा राधनम क्या ही प्रमुखाए गंभीर रुद्रा शिवात्मा की स्मृति है। हा ब्रह्म बहुत बड़ा सास से सह कि साधना भंग हो गई या घोर शब्द ने मुझे आज या ब्रह्मानंद से विदुर कर दिया है या गृहार देसी ये बड़ो शांत हो या सामग्री भांग देसी जो हरणी लिप्त स्वच्छंद करते थे ये मानो हिस्सा भाग में उठो राम ले लो हाथ भर खाऊंगे रहा बार बार क्या सूत्र ही पता हो गया किसे बुलाया हाँ मृत्युगर में खाऊंगा उठो शिशमणि शिवाराम खाऊंगे रहा बार बार उठो हे राम खाऊंगे रहा बार बार ये अभी शेष कुछ काम अभी शेष कुछ काम उठो हे राम यही कहे बारंबार यही चढ़ता चाहता है ये ध्यान है कल दुखी धरती ये ध्यान है कल दुखी धरती दिखाई देती थी प्रति आज नंदन शहर में ऐसा भारी परिवर्तन क्यों आज लगती नहीं ये समाधि ये आज लगती नहीं ये समाधि क्यों उठती है जलती है व्याधि शुद्ध शांत पाता है दिमाग चढ़ता जाता है ये कौन रहा है यह बार बार कर घर अब कौन कर रहा है ये बार बार कर पुकार अब राम दोष महत्याग हाथ उठार धार चंद्रमा को अब धरा क्यों हिला रही ये विश्व में क्रांति ज्वाल आज क्यों जला रही ये देखता हूँ स्वाद होकर के कारण क्या हम दंड प्रणाम ब्रह्म मुहूर्त की वेला में महामहिम रुग्राम परिसर जी का शुभ दर्शन उपलब्ध हो रहा है। ये मानव का बड़ा सौभाग्य है कि ऐसी भव्य विभूति जिनके जीवन का एक विशेष कालखंड रहा जिन्होंने अपने जीवन में ओंकार बिंदु संयुक्तम नित्यम ध्यायन्ति योगिनः कामदम मोक्षदम जय ओंकाराय नमो नमः ओंकार ओंकार प्रणव तत्व का जिन्होंने सतत जप किया जिन्होंने ओम भूर्वस्वा तत्सवितुर्वरेण्यम भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात् इतत् श्री मंत्र के सतत जप करता ऐसे समक्ष हो आज भव्य विभूति ये रेणुका नंदन ये जगद वंदन यशस्वी तेजस्वी
ओजस्वी प्रभु शक्ति, दान शक्ति, ज्ञान शक्ति, त्रिशक्ति संपन्न अवतार एवं धनुर्विद्या वैद्यक धनंजय अवतार तथा अणिमा गणिमा लघिमा महिमा प्राप्ति प्राकाम ईशत अर्षिदेव नौनिधिया जिनको चरणों में सतत लौटती हैं एवं जिनके दक्षिण पाद में अखिल तीर्थों का आवास है ऐसे महामहिम वीर्यावधूता भगवान जी का शुभ दर्शन उपलब्ध हो रहा है। आपका जीवन अश्वत्थामा बलिर्व्यासो हनुमान से विभीषण कृपा परशुराम सप्तते चिरजीविना। आप अपने जीवन में अवतार कोटि में हैं, चिरजीवी हैं। ओम आपके जीवन का परमाश्रय है। कहा है ओम है दुख का विनाशक, ओम है दुख का विनाशक, ये ओम सर्वानंद है। ओम है बल तेज धारी, ये ओम करुणा कंद है, ये ओम सबका पूज्य है, हम ओम का पूजन करें। ये ओम ही के ध्यान से हम शुद्ध मन अपना करें। ओम के गुरु मंत्र जपने से रहेगा शुद्ध मन, और ये बुद्धि प्रतिदिन बढ़ेगी, धर्म में होगी लगन। ओम के जप से हमारा ये ज्ञान बढ़ता जाएगा, अंत में प्रिय ओम हमको मोक्ष पथ पहुंचाएगा। ऐसे ओमकार प्रणोतत के शब्द जप करता ये आज शुभ दर्शन हो रहा है, हम आपकी शरण में हैं और आपसे शुभ आशीर्वाद की आकांक्षा करते हैं। राम अवतार मम नाम है, यही भरखरी मम ग्राम, पिता स्वर्गीय कामता प्रसाद जी रहे, प्रभु को करत प्रणाम, प्रभु को करत प्रणाम। जिसके पिता का नाम हो कामता प्रसाद जो, और उसके बेटे का नाम हो राम अवतार, तो फिर परशुराम को प्रणाम क्यों करते हो भाई? जिसका पिता हो कामता और उसका पुत्र हो राम अवतार, और राम अवतार कैसे प्रणाम कर सकता है? शस्त्रांतर प्रविष्टा नाम बाला नाम चोपकार काम, शास्त्र ये कहता है कि तष्टम नैव ब्रह्मर्षि, और जहां ब्रह्म देवो जनार्दन, जो ब्रह्म है वो पराकाष्ठा के ऊपर है, और जो पराकाष्ठा के ऊपर है उसे संसार प्रणाम करता है। और कभी कभी नाम का प्रभाव इतना होता है कि नाम स्वयं में प्रभावित होता है, तो नाम तो स्वयं में पूजनीय है, और जब नाम स्वयं में पूजनीय है तो अर्थात वो प्रणाम कैसे कर सकता है नाम से? एक नाम दूसरे नाम को प्रणाम तब करता है जब स्वयं में उस नाम के ऊपर अपने आप को सार्थक करता है, और सार्थक करने के बाद ही वो ब्रह्म है, अर्थात वो ब्रह्म नहीं है। और ब्रह्म तब होता है जब अपने आप को उसके ऊपर सार्थक कर लेता है। आपने परशुराम के जीवन का वर्णन किया, लेकिन वर्णन हो नहीं सकता है, ये शास्त्र कहता है वर्ण न जाए स्वरूप। परशुराम के जीवन काल की प्रपाटी की परंपरा को कोई भी बखान नहीं कर सकता, पर राम अवतार बखान कर रहा है कि नहीं ऐसी प्रपाटी आपकी है, है ना? राम अवतार ऐसा प्रपाटी बना करके प्रस्तुत करते हैं कि नहीं परशुराम का यह जीवन काल है, लेकिन शास्त्र कहता है कि परशुराम के जीवन काल की प्रपाटी को कोई वर्णन नहीं कर सकता, माने शास्त्र या पुराण नहीं कर सकता। नदी देखो व्याख्यानम व्याख्यानम उच्चते, अरे परशुराम के जीवन का वर्णन तो कोई कर ही नहीं सकता, फिर राम अवतार ने कैसे कर दिया? राम अवतार नहीं कर सकता जब शास्त्र नहीं कर सकता, पुराण नहीं कर सकता, वेद नहीं कर सकते, फिर राम अवतार कैसे कर सकता है? ये तो राम एकखिन राम अवतारा है बाणी न वाक्यम बहुमूलतोयम, आपने अपनी बाणी से इतना मूल लगा दिया कि परशुराम का जीवन ये है। प्रत्यक्ष जो स्वरूप दृष्टिगत होता है, ठीक है, उसका तो वर्णन हो ही सकता है। प्रत्यक्षम नैव प्रमाणम, प्रत्यक्षम नैव प्रमाणम, कृतं वर्देन
जो शास्त्र ये कहता है कि यदि मूर्ति सामने आ जाए तो उसका वर्णन वो तब तक नहीं कर सकता है जब तक वो मूर्ति को जाने नहीं। प्रत्यक्षम प्रमाणम, प्रत्यक्षम किम प्रमाणम, प्रत्यक्षम किम प्रमाणम, प्रत्यक्षम किम प्रमाणम का अर्थ ये है आचार्य राम अवतार कि सामने खड़ी हुई मूर्ति को देखने के बाद तो वो सारे संसार को भूल जाता है। यदि परमात्मा की मूर्ति सामने आ जाती है तो नैव किम प्रमाणम, वो प्रमाण दे ही नहीं सकता है क्योंकि नेत्र उसके डूब जाते हैं। और जब परमात्मा में तुम्हारे नेत्र डूब जाएंगे तो तुम्हारी वाणी रुक जाएगी, और जब वाणी रुक जाएगी तो तुम व्याख्यान कैसे करोगे? जब वाणी से आवाज नहीं निकलेगी, नेत्र तुम्हारे डूब जाएंगे। और तुमने ये भी बताया कि अश्वत्थामा बलिर्व्यासौ हनुमान विमिश्रा, क्या विचार करना जिन लोगों का आपने वर्णन किया है अश्वत्थामा बलिर्व्यासौ हनुमान, तो व्यास जी तो स्वयं कहते हैं कि वर्ण न जाए स्वरूप, हनुमान तो कहते हैं कि मैं तो जाने ही नहीं सकता तो माया बस फिर बुलाना। प्रत्यक्ष जो स्वरूप दृष्टिगत होता है, प्रथम तो वर्णन होता है और फिर अंत में जब भाव की पराकाष्ठा चरमोत्कर्ष पर पहुंच जाता है, यही जाने जग जाए हेराई और जानत तुम्हें हो जाई आदि आदि है, तब वाणी अवरुद्ध हो जाती है। ठीक है, प्रथम तो स्वरूप का वर्णन दृष्टिगत होता, दृष्टिगत दिखाई देता है, ये है दृष्टि दृष्टा दर्शन, ये है दृष्टि दृष्टा दर्शन। हमारी दृष्टि यदि वहां तक पहुंच रही है तो हमारी वाणी वहां तक पहुंचने का प्रयास करेगी। यदि हमारी दृष्टि ही नहीं वहां तक पहुंच पा रही है, तुम्हारी वाणी कैसे पहुंच जाएगी? जब हम उसका दर्शन ही नहीं कर पा रहे हैं, नैलुम दर्शनम व्याप्य, जिसका हम दर्शन नहीं कर पाते हैं तो उसका वर्णन हम कैसे कर सकते हैं? भगवान शंकर भी कहते हैं कि हृदय विचारत जात हर कहीं विधि दर्शन हो, कहीं विधि दर्शन। अरे वो तो चरित्र को जानने के बाद दर्शन चाहते हैं, और तुम दर्शन पहले चाहते हो और चरित्र बखान बाद में करते हो, तो भगवान शंकर से तो ऊपर हो नहीं तुम राम अवतार। नहीं नहीं नहीं, हम नहीं है ऊपर, लेकिन लेकिन प्रत्यक्ष जो स्वरूप दृष्टिगत होता है, मूर्ति है, देवालय में जाते हैं, ठीक, जो मूर्ति होगी उसको तो देखा जाएगा, ठीक है, देखा जाएगा तब व्यक्त किया जाएगा, ठीक, और जब वो प्रेम की पराकाष्ठा पर पहुंच जाएगा तब वहाँ वाणी अवरुद्ध हो जाती है, ठीक, फिर क्या होता है? ठीक, अभिगत गति कछु कहत न आवत, ठीक, अभिगत गति कछु कहत न आवत, जिमे गूंगे मीठे फल को रस, अंतर्गत ही भावत परम स्वाद सब ही सुनिरंतर, अमित तोष उपजावत। बहुत सुंदर, आदि आदि, ठीक है। तो प्रत्यक्ष जब स्वरूप दिखाई देगा उसका वर्णन स्वाभाविक होता है लौकिक जगत में, तो और इसके बाद फिर अंतिम जब वो भक्ति की पराकाष्ठा, आपने जो बात कही आपकी यथार्थ बात सत्य है, जब उस स्वरूप को जानेगा, उसमें रमण करेगा, फिर उसमें चिंतन करने लगेगा, और जब ये जीव चिंतन करेगा तो फिर होगा क्या? यही जाने जग जाए हिराई, और जानत सुमहि तुमहि होए जाई। यथा एक जीवात्मा दूसरी जीवात्मा से कहती है, क्या कहती है? कि हेरत हेरत हे सखी, अब मैं भी गई हिराए, अब बूंद समानी समुद्र में सोकत हेरी जाए। ये थकान है व्यक्ति, जब साधना युक्त व्यक्ति साधक कर साधना करता है तो उसकी साधना से वो व्यक्ति दर्शन देता है, और यदि साधना युक्त व्यक्ति साधक नहीं बनेगा, साधना नहीं करेगा, तो क्या परमात्मा का दर्शन मिल जाएगा? हाँ, बहुत अच्छी बात आपने कही। यदि साधना का शुभारंभ का सोपान होते हैं, साधना के सोपान होते हैं, तो प्रथम तो दर्शन ही होता है साधना में। क्या बात, साकार का दर्शन करते हैं वो साधना है, साधना का क्रम वहीं से प्रारंभ होता है, साधना उपासना आराधना आदि आदि, अर्चना वंदना आदि आदि, तो साधना का प्रारंभ है। महामहिम आप तो ज्ञाता हैं, ज्ञाता क्या वर्ण न जाए स्वरूप, आप ज्ञान के परे हैं, आपने जीवन में इतनी तपस्या की, उस तपस्या के द्वारा आपने अपने उस ब्रह्म विशेषता के द्वारा आपने अपने जीवन में अमृत प्राप्त कर लिया। आप हैं छंगा प्रजापति जी,
आपकी ओर से 51 पद मुद्राएं भार्गव जी के चरणों में समर्पित हैं। बहुत बहुत धन्यवाद। साधना का युक्त व्यक्ति कहता है साधक में स्वयं में हूं, आपका तेज आपका बल आपका प्रताप वैभव ये बताता है कल्याण हो वाणी नवक्यम मुगलु तोयम आनु पम शरीर की पर दया करें यह से शरण में आया है। मम नाम देवेंद्र जी द्विवेदी नहा पुत्र नाम पितृ नाम स्वर्गीय श्री राम स्वरूप द्विवेदी नहा निज निवास खरी क्या बात। ये वर्णन कहीं ना कहीं सार्थक हो रहा है। गौर शरीर भूत भल राजा बाल विशाल त्रिपुण भी राजा क्यों और ये सार्थक हो गया। सिद्धांत तो ये कहता है कि वाणी न वाक्यम बहुमूल तो यम वाणी अपने आप में मूल्यवान होती है। वाणी तो स्वयं में मूल्यवान है क्योंकि वाणी ही ऐसी होती है जो घर घर में पूजी जाती है और वाणी ही ऐसी होती है जो खुद का सम्मान कराती है और वाणी ही ऐसी होती है जो खुद का अपमान कराती है। भक्त के बोलने से उसका सम्मान बढ़ता है, भक्त के बोलने से उसका अपमान हो जाता है। ये वाणी है, इसको जितना संभाल कर बोलोगे उतना ही सम्मान मिलेगा। हाँ ज्यादा अनियंत्रित हो गए तो फिर वाणी से अपमान हो सकता है। ये रसना है, इसको बड़ा संभाल के रखना पड़ता है। इससे सार्थक हुआ कि आपने जीवन काल को पढ़ा और कुछ शास्त्रों का मत दिया आपने। मेरा आशीर्वाद आपके प्रति है। ज्ञान का ध्यान रहे जग में पर मानवता ही अपनाते चलो, यह ब्राह्मण संतों के चरणों में अपने मस्तक को झुकाते चलो। यह ध्यान रहे यह ज्ञान रहे, यह ध्यान रहे यह ज्ञान रहे पर सात्विकता ही अपनाते चलो। पर चलो शंभु के चरणों में सदा हंसते रहो और हंसाते रहो। जीवन में मुस्कुराओ, सुख आवे उसका भी स्वागत करो, दुख आवे उसका भी स्वागत करो। सुखे दुखे समय कृपा लाभा लाभ जया जयो दोनों का स्वागत करो। जनक बहोर जनक।